of class 5th. Assalamu alaikum. Hope you all are well in your home and taking care of your health. Dear learners, as you know, we are reading the story, The Prodigal Sons, of your English book, page 62. So, bachcho, aap apni books ka page number 62 nikalein. Jo story hum padh rahe hain, usi ko ab hum continue karenge. The Prodigal Son. Prodigal bolte hain bachcho baagi aur fazool kharch ko, hai na? Baagi ladka ya fazool kharch, jiski kahani hum pichle do roz se padh rahe hain. To page aapki books ka hai page number 2. First para hum start karenge. And they began to make merry. Kyun wo khush hua tha? Shabash. Kis tarah se wo khush hua? Kyunki jab uska beta ghar wapas lota to baap khush hua to usne uske liye ek feast rakhi. His elder son who was out in the fields returned and heard music and dancing. Unka jo bada beta tha वो खेत पर था, जब वो खेतों से वापस घर आया तो उसको म्यूजिक की और डांसिंग की आवाजें आने लगी. तो देन ही कॉल्ड वन ऑफ द फेलोज टू हिम एंड आस्क्ड व्हाट ऑल दैट मीन. जब वो वापस आया, उसको डांस और म्यूजिक की आवाजें आने लगी, तो उसने एक आदमी को बुलाकर पूछा कि ये क्या बात है, क्या हो रहा है यहाँ पर. Your brother has come, he replied, and your father has had the fat goat killed because he had got him home safe and sound. आपका उस आदमी ने उसे जवाब दिया कि आपका भाई वापस आ गया है और आपके वालिद साहब ने उसके लिए एक मोटा बकरा मंगाया है और उसकी खुशी में एक पार्टी रखी हुई है क्योंकि आपका भाई जो है वो हैरियत से और सलामत से घर वापस आ गया है. Then he was angry and would not go in. तो वो जो बड़ा लड़का उसका था वो नाराज हो गया, उसको गुस्सा आ गया, वो अंदर नहीं गया. But his father came out and entreated him. लेकिन उसका बाप जो था, वो वालद जो था, वो जब उस लड़के को गुस्सा आ गया तो उसने अपने वालद से पूछा, ये सब नाच गाना और महफिल किस खुशी में हो रही है. वो अपने बाप से कहता है कि उसने सारी जिंदगी उसकी फरमा बरदारी की, मगर उसके लिए उसने कभी दावत और खुशी का एहतमाम नहीं किया. तो मगर उसने उस बेटे के लिए जो नाफरमान था और जायदाद का हिस्सा भी तकसीम करने के लिए उसने मजबूर किया था और उसके लिए उसने दावत रखी है, तो बड़े बेटे को गुस्सा आ गया. एंड येट यू हैव नेवर गिवन मी मच एज ए किड फॉर मी टू एंजॉय माई सेल्फ विद माई फ्रेंड्स, बट नाउ दैट हिज सन ऑफ यूर्स इज बैक who has destroyed up your property and have killed the fat goat for him. जिस बेटे ने आपके साथ नाफरमानी की और जिस बेटे ने आपकी सारी जायदाद को जाया कर दिया, नुकसान पहुंचाया, उस बेटे के लिए आपने एक पार्टी रखी है जबकि आपने कभी मुझे एक रुपया भी नहीं दिया जो मैं अपने दोस्तों के साथ बैठकर कोई पार्टी करूं. You, my dear son, said the father, are always with me. उसके बाप ने कहा कि आप मेरे सबसे प्यारे बेटे हो और हमेशा मेरे साथ रहते हो. एंड ऑल दैट इज माइन इज ऑल्सो योर्स. जो भी मेरा है वो सब तेरा है. वी आर बाउन टू मेक मैरी एंड रिजॉइस. हम एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं और हमारी खुशियां एक दूसरे के साथ हैं. फॉर दिस ब्रदर ऑफ योर्स वॉज डेड एंड हैज कम बैक टू लिव. ये जो आपका भाई है ये तो मुर्दा हो चुका था, ये तो फजूल खर्ची और इस बागीपन में अंधा हो गया था, समझो मर चुका था, जो वापस घर आया है जिंदा होकर अब वापस घर लौटा है. ही हैज लॉस्ट एंड हैज बीन फाउंड. द फादर सेड टू हिज एल्डर सन्स एंड दैट वन शुड नॉट फॉरगेट टू रिज व्हेन ए सिनर रिपेंट्स एंड रिटर्न्स टू गॉड. ये उसका बाप उसको बोलता है कि जब भी कोई आदमी गलती करता है उसके बाद वो अपनी गलती पर पछताता है और अल्लाह से तोबा करता है, वापस घर आ जाता है, तो उसे माफ कर देना चाहिए. इट इज ए मोमेंट ऑफ प्लेजर दैट योर ब्रदर हैज रियलाइज्ड हिज मिस्टेक इन सीकिंग मर्सी एंड फॉरगिवनेस. ये खुशी की बात है कि आपका भाई जो है वो सब कुछ भूल कर और उसने ये रियलाइज कर लिया कि उसने गलती की थी और अपनी गलती की वो माफी मांग रहा है और अपनी गलती पर वो पछता रहा है. लेट अस एक्सेप्ट हिम फॉर ही वॉन्ट्स टू बिकम ए गुड मैन. गॉड टीच अस टू बी काइंड एंड मर्सीफुल. तो इसीलिए इसी तरह
एक इंसान को याद रखना चाहिए कि अगर गुनाहगार तौबा करके वापस खुदा की तरफ वापस आए तो ये बड़ी खुशी की बात है, इसलिए हमें उसको माफ करना चाहिए और खुशी से उसका इस्तकबाल करना चाहिए। खुदा भी हमसे यही चाहता है कि हम औरों की गलतियों को माफ करें, हम रहम दिल बने और दूसरों पर शफ़क़त करें। तो ये था बच्चों, ये आपकी ये जो स्टोरी थी द प्रोडिगल सन्स, तो आज हमने इसको कंप्लीट किया। तो कल इंशाल्लाह इसके हम टेक्स्टुअल क्वेश्चन करेंगे, तो आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा।